Yourself.
道的必要需要悔改。既然你所创造一些有安抚了我的土地的那些农民，我一分一毫都要捐出来。假如长夜加班。आपका
ज्यादा तर्क क्यों हो। अंत में एक बात फिर से सभी पुरुषवासियों से अपील करूंगा कि वो भी इस यात्रा में जिस तरह से गर्भवासियों में हिस्सेदारी करते रहे हैं, इस बार भी वो पूरे जोशो खरोश के साथ इस यात्रा में हिस्सेदारी ले और सभी जो है यात्रा का पार्ट बने। एज पर ट्रेडिशन जो यहाँ पर हमेशा एक आज के दिन जो है एक पूरा मुल्क एक पार्टिसिपेट करता है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो एज ट्रेडिशन मैं वो भी आप सबसे अपील करूँगा कि आप इसमें जो है एज पूरा का पूरा मुल्क जो है इसमें हिस्सा ले। शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ अपेक्षा करता हूँ कि पिछले 10 दिनों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुंच ने, इंडियन आर्मी ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जम करके मेहनत की है, दिन रात खड़े हुए हैं और बड़े बड़े त्यौहार होते हुए भी मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो है हमारी जो नफरी है मुस्लिम कम्युनिटी से होते हुए भी ईद के दिन भी खड़े रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा कि हमने जो ड्यूटीज दी है उसका ख्याल रखते हुए आप एडमिनिस्ट्रेशन को हर जगह पर इस छड़ी के साथ साथ ही 27 को जब ये छड़ी मुबारक वापस आएगी उस दिन तक हमें अपनी तरफ से पूर्णतः सहयोग करेंगे। एक बार फिर से स्वामी जी के चरणों में अपना नमन पेश करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर स्वामी जी मांग रखी है, तो एक मांग मेरी भी है, क्योंकि हमारे बीच में मेरे बड़े भाई रविंदर रहना चाहिए जिनके साथ हमने बहुत दूर दराज इलाकों में काम किया। मेरे भाई जो बहुत गुप्ता जी भी हैं जो मेरे हम पेशा हैं और बाकी यहाँ माननीय लोग भी हैं, डीसी साहब, एसपी साहब हैं। स्वामी जी आपने भी देखा होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए वाजपेयी जी ने गाड़ी चलाई, उसके बाद यहाँ पर ट्रेन का काम शुरू हुआ। लेकिन मैं आज इस मंच की वसादत से एक मांग सीबीएम के हवाले से, क्योंकि यहाँ ये जो छड़ी यात्रा है ये यहाँ खुद से भी चल रही, इसका जो शुरू होती थी ये इलाका है जहाँ से यात्रा निकलती थी। अगर नाना साहब हमारे सिख बरादरी के लोग जाते हैं तो सीबीएम के तहत क्यों हमें इजाजत दी है छड़ी यात्रा वहीं से प्रारंभ की जाए जहां से ये शुरू से निकल रही थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से इतने बड़े बड़े काम किए जाते हैं, क्यों ना अगली बार भुट्टा अमरनाथ यात्रा में एक इतना बड़ा विकास पंडाल बनाया जाए कि जितने भी यात्री आते हैं ये पहले डायरेक्ट वहीं पर आए, वहां से दर्शन करने के बाद जितने भी श्राइन है यहाँ पे डेरा मेवाली साहब है, श्राइन मेरा है, श्राइन राइन बाकी है, ये सभी लोग पूरे दिनों में वहां पर जाए और ये मैसेज देकर पूरे हिंदुस्तान में जाए कि अगर आपको अमन शांति भाईचारा देखना है तो सिर्फ रुपये को आपको कुछ में मिलेगा, बाकी बातें करने से यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। अगर आप देख लेंगे तो ठीक ही है, लेकिन ये खून एक ऐसा किस्सा है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग खड़े हुए हैं। ये सारी सिर्फ आपकी यहाँ पर कृपा है गुरु जी कि ये सारा कुछ आपके चरणों में ये सारे लोग भेंट करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पुंछ में सिर्फ और सिर्फ अमन शांति और भाईचारा है। मैं सिर्फ एक छोटा सा जो है आपके
आयु उपस्थित मंत्र संसदेन एवं यहाँ हमारे लिए तो सभी पार्टी कई एक जैसी होती है और अध्यक्ष रैना साहब एम पी जुगल किशोर जी और बैठे हुए जी हैं यहाँ के लक्ष्मी हैं जयपाल शर्मा जी हैं। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने अपना अपना विचार व्यक्त किए और आज के समय में आवश्यकता है इस प्रकार के ऐसे प्रोग्राम उत्सव की जो सब देश के लोगों को जोड़ने का इसमें प्रयास कर सकता है। आध्यात्मिक संत या भगवान के जो इस प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं देखो ना तो संतों को जगत में कुछ जरूरत होती है, उन्हें जरूरत होती है अपनी साधना अपना सिमरन की। बाकी जो उनके रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होते हैं उनसे प्रजा को जनता को एक उपदेश मिलता है, एक इस पृथ्वी के ऊपर इंसानियत स्थापित की जाती है